श्री कृष्ण की जब भी बात होती है तो कई चीज़ें सामने आती है। हमें क्या याद आता है, गोपिकाएं है ना, मैं कल भी कह रहा था, हमें क्या याद आता है, गोपिकाएं, नृत्य, बांसुरी, माखन। लेकिन हमें यह बात बार बार मैं तुमसे कहूँगा, श्री कृष्ण का आयुष्य सिर्फ उतना नहीं है। श्री कृष्ण ने ये सारी चीज़ें करी, बांसुरी बजाई, नृत्य किया, लेकिन उम्र की सिर्फ 16 साल तक। और 16 साल के बाद श्री कृष्ण ने जब वृंदावन का त्याग किया तो श्री कृष्ण ने बांसुरी को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो बांसुरी राधा माँ को दे दी और उसके बाद राधा माँ ने बांसुरी बजाई। उम्र की 16 साल से जब सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को लेने आए तो श्री कृष्ण ने 16 साल की उम्र से लेकर 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। श्री कृष्ण रेगरस ब्रह्मचर्य में थे, उन्होंने अपनी विद्या को प्राप्त किया और उसके बाद सुदर्शन चक्र उठा के विश्व कल्याण के लिए निकल गए। श्री कृष्ण को हर किसी व्यक्ति ने समझा, जो उसके इर्द गिर्द था हर व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ की। दुर्योधन कहता था, कौन कहता है कृष्ण भगवान है, वो एक बूढ़ी औरत के साथ गपशप लड़ाता है, वो एक बच्चे के संग खेलता है, कुछ जादूगरी करता है। श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो छलिया है, मैं उसे भगवान नहीं मानता। राधा ने कहा, श्री कृष्ण विश्व में कहीं भी हो वो मेरे साथ है ना। तो राधा का ये पर्सपेक्टिव था श्री कृष्ण के लिए। हर किसी का पर्सपेक्टिव श्री कृष्ण को लेके अलग अलग था, लेकिन श्री कृष्ण का एक पर्सपेक्टिव और है जो आज सभी लोग समझते हैं, उसे हम कहते हैं कृष्ण लीला। हमने क्या कहा, हमने श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा, श्री राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, श्री कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहा। लीला पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है, लीला का मतलब होता है प्लेफुलनेस, कि आप कुछ भी करो लेकिन आप हंसते रहो, कुछ भी करो। जब युद्ध चल रहा था कृष्ण उस समय भी हंस रहे थे, जब यादवों का नाश हो रहा था श्री कृष्ण उस समय भी हंस रहे थे। श्री कृष्ण ने जिंदगी के हर आयाम को छुआ लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं छुआ, यही श्री कृष्ण की लीला है। अब लीला क्या है इसे हम समझते हैं। मैंने क्यों कहा था कि श्री कृष्ण की लीला ये स्त्री पुरुष समानता का एक बहुत अच्छा आयाम है, इसे समझो। हम जब कहते हैं ना लीला, लीला अपने आप में, लीला अपने आप में एक फेमिनाइन वर्ड है। तो यदि मैं आपको ये कहूं कि मैं लड़का हूं, ये फैक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मैं लड़का हूं, ये सच नहीं है, अरे ये कौन सी बात हो गई, इसे समझते हम। आप मुझे एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ और मैं पुरुष हूँ तो क्या मेरे पैदा होने में सिर्फ मेरे पिताजी का हाथ था, क्योंकि वो भी पुरुष है, तो क्या सिर्फ उनका हाथ था, मैं ऐसे कैसे जेरोक्स कॉपी निकला, नहीं, इसमें मेरे माताजी का भी हाथ था। तो आप इस बात को समझो कि मेरे पैदा होने में मेरे माता पिता दोनों का समान कॉन्ट्रीब्यूशन है। यदि कोई लड़की है तो क्या सिर्फ उसके पैदा होने में उसके माताजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, नहीं, क्या सिर्फ वो अपने माताजी का जेरोक्स कॉपी है, नहीं, उसमें उसके पिताजी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे भीतर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का समान आयाम है, आप दोनों में मौजूद है। इन डायमेंशंस को जिसने छुआ वो थे श्री कृष्ण, इसीलिए हम श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहते हैं। हम श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए नहीं कहते कि श्री कृष्ण ने बहुत सारी चीजें की, श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने अंदर के स्त्रीत्व को भी छुआ। विष्णु भक्ति यदि हम देखें तो विष्णु भक्ति में सबसे ऊपर आते हैं श्री कृष्ण, और यदि हम शिव भक्ति देखें तो उसमें हम सबसे ऊपर महादेव को रखते हैं, और महादेव को भी हम ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो अर्धनारी नटेश्वर है। तो जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के स्त्रीत्व को समझा और जिस स्त्री ने अपने अंदर के पुरुषत्व को समझा, आप उसी समय एक संपूर्ण जीवन जियोगे। यदि आप इन दोनों आयामों को छूते नहीं हो तो आप एक अर्ध जीवन जी रहे हो मेरे दोस्त। आपको इसे समझना होगा, समझो इस बात को। जब मैं लीला की बात करता हूं तो कई ऐसे गुण आते हैं, जब मैं स्त्रीत्व की बात करूं तो क्या होता है मेरे दोस्त, स्त्रीत्व अपने आप में सृजन है। अगर मैं मस्कुलाइन की बात करूं तो मस्कुलाइन इज लाइक रॉक, ऐसे पत्थरों के जैसा होता है ना, लेकिन वो पत्थर भी समय के साथ मिट्टी बनती है,
और इसी मिट्टी में हमें चाहिए स्त्रीत्व, दैट इज सृजन, फूलों का खिलना। तो मिट्टी का होना भी बहुत आवश्यक है और फूलों का खिलना भी बहुत आवश्यक है। झाड़ आने की प्रक्रिया एक तरह से स्त्रीत्व सृजन है और उस मिट्टी का होना एक तरह से मस्कुलिन पुरुषत्व है। ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जब एक पुरुष का शुक्राणु महिला के गर्भाशय में एंटर करता है, व्हेन अ स्पर्म एंटर्स अ फीमेल वॉम, उसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस तरह से वह सृजन है मेरे दोस्त। आपको इस बात को समझना होगा, सृजन करने के लिए स्त्रीत्व का होना बहुत जरूरी है। आपको इस बात को समझना होगा, यदि आपको संपूर्णता अपना जीवन जीना है तो आपके आपको दोनों बाहु आयामों को छूना होगा। आजकल जिस तरह से समाज में ये चल रहा है ना, टॉक्सिक सिग्मा मेल, ऑल ऑफ फ्रेंड्स मा टॉक्सिक, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको इस बात को समझना होगा कि आप में हंसने का भाव, खेलने का भाव, रोने का भाव, हर चीज़ का भाव आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप टॉक्सिक बन के चल रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। इवन आजकल मैं समाज में देखता हूँ ये डिमांड चल रही है कि ओ उस लड़के ने तो पू को मुड़ के नहीं देखा। लड़कियों की डिमांड होती है द गाय हु इज़ डिफिकल्ट टू गेन, उन्हें वही लड़का चाहिए। क्यों भाई? जब तक तुम्हें वो मिलेगा और मिलने के बाद तुम उसके साथ मैक्स टू मैक्स 2 साल सर्वाइव कर पाओगे, अगर वो मिलने के बाद भी टॉक्सिक रहा, तुम ये सोच के उसके पास जाते हो कि मैं उसे सुधार दूंगी, लेकिन वो सुधरता नहीं है क्योंकि वो नेचुरली टॉक्सिक है। और फिर उस लड़के को समझ में आता है कि भाई टॉक्सिक रहना ही सब कुछ नहीं होता, और तब तक बहुत समय निकल जाता है। तो आपको प्लेफुल रहना है जिंदगी भर, यही कृष्ण की लीला है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब गांधारी माता जब आई और गांधारी माता ने श्री कृष्ण से कहा कि सुनो कृष्ण, तुम भगवान थे, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, तुमने फिर भी इस युद्ध को नहीं रोका, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ उसी तरह से तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। और इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु माते, एक यादव ही यादव कुल का नाश कर सकता है। कहने का तात्पर्य, श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा, हंसते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जो भी किया उसमें वो हंसते रहे। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण जीवन थे। आप किसी योगी से बात करिए, स्वामी विवेकानंद जी को ये सवाल किया गया था कि स्वामी जी आपने शादी क्यों नहीं की, तो स्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि हम शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे विरुद्ध व्यक्तिमत्व को अपने जीवन में लाना होता है, पर मैं एक योगी हूँ तो मुझे स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों के बारे में पता है। तो श्री कृष्ण तो परम योगी थे, उन्हें तो यह बात पता होगी। जिस दिन आपको ये समझ जाएगा कि आपके अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद है, याद रखना, आप कुछ भी करो, कुछ भी, आप डांस करो आप ज़बरदस्त करोगे, आप पोयम लिखो आप ज़बरदस्त करोगे, आप कुकिंग करो आप ज़बरदस्त करोगे, आप टीचिंग करो आप ज़बरदस्त करोगे, आप ब्लॉग्स लिखो आप ज़बरदस्त करोगे, आप लीडरशिप क्वालिटी रखो आप ज़बरदस्त करोगे, सही मायने में करोगे। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये सारी चीज़ें, चलो लीडरशिप का तो मुझे नहीं पता, वो तो लोग डिसाइड करेंगे मैं अच्छा लीडर हूँ या नहीं, ब्लॉक का मुझे नहीं पता वो तो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे गारंटी है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कारण, इसका कारण ये नहीं है कि मैंने अपने स्त्रीत्व को छुआ है। मेरे आजू बाजू में, इर्द गिर्द में, बचपन से मैं 6 बहनों में बड़ा हुआ हूँ। इसी का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिला मेरे दोस्त कि मुझे स्त्रीत्व को अलग से समझना नहीं पड़ा, वो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर प्रभाव उसका पड़ रहा था। तो जिस समय पे आपको ये समझ जाएगा कि किसी भी शेर को शिकार करना शेर नहीं सिखाता, वो शेरनी ही सिखाती है, उस दिन आपको समझ जाएगा। हम हमेशा कहते हैं यशोदा का नंदलाल, हम हमेशा कहते हैं कौशल्या नंदन राम। ये संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ पे
पुरुषों को भी माताएं बड़ी करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना सक्सेसफुल होने का कारण क्या है माँ जिजाऊ, तो आपको ये समझना होगा कि समाज को आगे ले जाने का काम स्त्रियों का है और समाज में कुछ ऐसे काम है जो पुरुषों के हैं। जब इन दोनों का बैलेंस क्रिएट होगा उस समय पे लीला होगी, उस समय पे जॉयफुलनेस होगा, उस समय पे प्लेफुलनेस होगा। और मेरे जिंदगी का मकसद ही यही है कि हर वो व्यक्ति जो इस संस्कृति में पैदा हुआ हो या जो विश्व में कहीं पे भी पैदा हुआ हो उस तक कृष्ण की लीला पहुंचे, वो समझे कि वो संपूर्ण जीवन है। आपको यदि ये समझ जाता है ना कि आप संपूर्ण जीवन है, आप जीवन में कहीं पे भी जाओ आप हमेशा खुश रहोगे। यही कृष्ण की लीला है।